Hey guys, Heather Kazmi, Daniel Kazmi. Welcome to an amazing video of Desi H&D Reacts. कौन सा ट्रेलर है? मिमी ट्रेलर, I guess I pronounced that right. मिमी ट्रेलर है कृति सेनन एंड पंकज त्रिपाठी का. यह आ गई है मूवी जिसका ट्रेलर के ऊपर हमें काफी रिक्वेस्ट करती है कि आप इस ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करो. पंकज अगर मैं देखा होगा ना उसमें डिफरेंट सेनन तो तुमने कृति सेनन तो तुमने डिफरेंट सॉन्ग्स में ओ मैं ओ तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड ओ मैं अब ना करूंगी ना 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 सुशांत के ऑपोजिट थी. और जो ये बाकी है वो भी सीरीज में आते रहते हैं. आई गेस वो थी मिर्जापुर. सो आई गेस मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे वो माइंड में आ रहा है. वेल इस ट्रेलर को हम देखते हैं. मिमी काफ़ी अट्रैक्टिव एंड न्यू नेम लग रहा है मुझे तो. इसके ट्रेलर के ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं. सो जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें. तो यहाँ पर हम देखते हैं मिमी माँ और बच्चे का रिश्ता ना इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है. बच्चे को कोख में पालना ना दुनिया का सबसे महान काम होता है. मेरा बस चले ना तो मैं भी पाल लूं. और पैदा कहाँ से करोगे? पीछे से. वो अमेरिकी जोड़ा आया है ना अमर महल में, उन्हें ना अब बहुत पसंद आ गई है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करो क्योंकि भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है. आपको बच्चा पैदा करने के लिए जॉन जी के साथ सोना नहीं है. ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी. किसके जैसी? मतलब किसकी जैसी? आपका और बच्चा उनका. मतलब किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है? नो. और बच्चा पैदा हो जाएगा? यस. जो आपका बच्चा पैदा करेगी उसे आप 20 लाख दोगे? यस. आप दोनों ना नोट के बिस्तरे लगा के उस पे सोना. मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना? नो. तू कर चुका है? शिल्पा शेट्टी का फिगर खराब हुआ क्या? नो बता. ना बीवी ना बच्चा. घर वालों को क्यों बताऊंगी कि बच्चा किसका है? अरे पेट देखिएगा ना इतना बड़ा. मेरे घर रह सकती है तू. कल्याण वाली खाला है ना, ये उनकी भतीजी है चांद और ये उनके शौहर नसीरुद्दीन. करते क्या है? ड्राइवर हूँ, खुद की गाड़ी है अपनी. नमाज पढ़ते हैं? कितने मरतबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा. जनाब नमाज दिन में सिर्फ 5 मरतबा पढ़ी जाती है. मैं 2 दिन का काउंट करके बता रहा हूँ. आपको बच्चा नहीं चाहिए? पगला गए हो क्या? समर जी बोल रही है उनको बच्चा नहीं चाहिए. बच्चे को गिरा दो. बच्चा गिरा दो? के बकवास करे तो भागो, पागल हो गए कि? यूनिक स्टोरी है ना यार. ये तो मुसलमान है. बच्चा तो बहुत गोरा है. बाप पल गया है ना. डेफिनेटली इन्होंने मेडिकल की न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर एक न्यू टॉपिक लाया जो कि साइंटिफिकली पूरी दुनिया में इन हो रहा है. उसके ऊपर मूवी बनाई है. फन ड्रामा एंड इमोशन मिक्स करके स्क्रिप्ट लिखा गया और अभी तक इस टॉपिक में मूवी नहीं आई है. सरोगेसी के ऊपर एडॉप्टेशन पर आई है, दूसरे मेथड पर आई है. बल मुझे तो कृति सेनन की एक्टिंग अच्छी लगी है, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग अच्छी लगी. वो जब बच्चे को देख रहे थे गोरा अंग्रेजों का बच्चा होता है वो कहते हैं इसकी माँ कौन है? बाप कौन है? ना माँ वो होती है ना बाप वो होता है कि अंग्रेजों माँ. एंड बच्चे वो है बाप पर गया है, वो बाप से चेहरा दिखता है बार बार यहाँ के बच्चे और सबका. वो माँ क्योंकि वो बेसिकली एक मेडिकल मेथड होता है. सो क्या एक्सप्लेन करें, आप लोग नेट कर सकते हैं. और अगर हम एक्टिंग की बात करें कृति सेनन की एक्टिंग जबरदस्त, पंकज की जबरदस्त. वो मुझे वो सीन बड़ा मजा लगा नमाज जो 3 में 5 मरतबा पढ़ जाती है ना, क्योंकि वो काम वाली कहती है आप हमारे घर ले आए ना.
तो वो मुस्लिम होती है, मुस्लिम कॉलोनी होती है पूरी की पूरी, तो वो कहते हैं आप कितने टाइम नमाज पढ़ते हो ना, वो नमाज पढ़ते हुए ईद देख रहा होता है ना, तो उसको आती नहीं डेफिनेटली, वो हिंदू से होता है, तो वो कहते हैं 10 टाइम, कहते हैं 10 टाइम क्या, तो 2 दिन का काउंट 5 टाइम होती है, हाँ 2 दिन का वो गाड़ी का भी भाई सेकंड, वो कहता है मुसलमान नसीरुद्दीन शारिया, वो गाड़ी की तरफ देखता है भाई ये तो हिंदी लिखी हुई ऊपर, इतनी सेकंड हैंड है। सो अब मूवी का आई गेस डेट इन्होंने नहीं बताई कब आएगी, वेल डेफिनेट इंतजार रहेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी के हवाले से, स्क्रिप्ट के हवाले से, आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करते वक्त प्रेस दी बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। सो गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए ख्याल रखिएगा, ओके टेक केयर।